क्या हुआ? क्या चाहिए? कुछ चाहिए? क्या लोगे? क्या चाहिए? हाँ इधर आओ, इधर आओ। कुछ चाहिए तुमको? कुछ चाहिए? और गाइस इस टाइम बज रहे हैं 3 शाम के, और हमें निकलना था घर के लिए, यानी मुझे 2 बजे ही जाना था, बट ये थोड़ा सा चले गए मार्केट, और मुझे भी नहीं पता था। इन्होंने भी, बाबू वहां नहीं, गिर जाएगा, दिया रखो तुम्हारी पिटाई होगी। तेल लगा के आई हो? तेल लगा के आई हो? दिखाओ। हमको तेल ना लगाओ मुंह में, हम नहीं लगाते तुम्हारी तरह तेल की दीवानी। फिर पिटाई हो जाएगी। हाँ फिर मम्मा पिटाई कर देगी। मम्मा क्रीम लगाई, मम्मा की क्रीम खराब हो जाएगी फिर। हाँ बाबू भी तो लगाया ना, क्रीम लगाया ना बाबू अपना, तो बाबू की भी क्रीम खराब हो जाएगी ना। देखो देखो हैं, टॉफी खा ली हो ना, टॉफी खाई हो ना। तो गाइस हमें घर निकलना था, कुछ काम है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या काम है घर पहुंच कर या फिर आकर। और मैंने ये वाली ड्रेस डाली हुई है, लॉन्ग मैक्सी ड्रेस है, देख लो जबरदस्ती लगा रही है, लॉन्ग ड्रेस है, और इसे मैंने लिया था सिटी कार्ट से, तो मैं इसकी लिंक नहीं दे सकती। लॉन्ग है और ठंड के लिए बहुत ही अच्छी है, तो इसी वजह से मैं ये वाली ड्रेस डाली हुई हूँ। और बाबू ने पहनी हुई है ये वाली फ्रॉक, और नीचे से मैंने इसे स्वेटर डाल दिया है। बहुत देर हो गया इसीलिए ये अपना पूरा बना ली है। हम लोग 1:30 बजे से रेडी हैं और 3 बज गए हैं, तो जब मैंने इनको फोन किया 1:30 बजे रेडी वेडी होके, 2 बजे किया मैंने, 1:30 बजे मैं रेडी हो गई थी, सामान रख रही थी, बाबू का दूध बॉटल सारी चीजें रख रही थी, क्योंकि शाम को हमको लेट हो जाएगा आने में, तो मैंने कहा रख लेती हूँ। इसी वजह से जब मैं इनको फोन की तो ये बोले तुरंत ही तुरंत ही मैं निकला हूँ, इससे पहले बाबू अगर पिन निकली तो मैं पीट दूंगी। तो तुर अब इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर। तो ये बोले कि बस मुझे 5 ही मिनट हुए निकले हुए, और तुमको पहले तुम फोन कर देती तो ये हो जाता। फिर मैंने कहा जब फोन करती तो तुम यही बोलते तुरंत निकलो, तुरंत निकलो, जल्दी से छोड़ के आए। तो मैंने कहा सारी चीजें रख लो फिर फोन करती हूँ, लेकिन लेट ही हो गया। तो चलिए अब हम निकलते हैं, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगी फिर मैं मिलूंगी, या फिर मैं जब घर आऊंगी जब मैं आप लोगों से बात करूंगी। और जैसा कि अच्छा तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ अभी आप लोगों से, देखते हैं शाम में मिलते हैं कि वहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं इनकी स्किन रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जो जो ज़रूरी है, तो दुल्हन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है स्किन रूटीन, और प्लस इनके फेस पे थोड़ा सा ग्लो रहे, तो अभी कोई भी मेकअप नहीं हुआ है। इनकी पिक मैं लास्ट में डाल दूँगी, ओरिजिनल और वैसे ब्राइडल वाली दोनों, तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। और मैंने यहाँ पे टोनर वगैरह लगा दिया है, और हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, तो फेस पे भी मैंने लोशन लगा दिया, बेबी लोशन लगाया है, सॉरी फेस पे नहीं, हैंड पे। और इसके बाद फिर मैं आई मेकअप कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया, कंसीलर के बाद यहाँ पे मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, ताकि जो मैं आई मेकअप करूँ वो काफ़ी अच्छे से उभर कर आए। ब्राइडल है तो जाहिर सी बात है आई मेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। तो यहाँ पे मैं आईलेट पे छोड़ के ऊपर मैंने ट्रांजिशन सेट पिक किया, और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और देखने में भी इनकी आई अच्छी लगे, उभर कर आए। तो आजकल थोड़ी सी स्मोकी आई, ब्लैक आई बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैं आउटर कॉर्नर पे सिर्फ ब्लैक कलर इस तरीके से ये देखिए लगा रही हूँ, आउटर कॉर्नर पे ही लगाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने रिकॉर्डिंग की है, जितना की उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं दोनों पर ही लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। गला मेरा ख़राब है तो प्लीज़ माइंड मत लीजिएगा। और बीच में मैं लगा रही हूँ ग्लिटर आई शेडो, लिक्विड ग्लिटर आई शेडो जो रेड कलर का है, तो मैंने कहा कि आईलेट पे लगा दूंगी तो काफ़ी ज़्यादा उभर कर आएगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक है, तो ब्लैक से थोड़ा सा लाइट है, यानी कि रेड वाला है, उतना ज़्यादा रेड वाला भी नहीं है कि अच्छा लगे देखने में। और फिर मैंने यहाँ पे पिक किया है
रेड शेड, और मैंने मोर्फी का पैलेट यूज किया है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गोल्डन शेड लगा दिया, तो कुछ इस तरीके की मेरी आई मेकअप हो गई और काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। तो इनके फेस से मुझे लगा कि इस तरीके से मैं करूँगी तो अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं कलर बार का पोर मिनिमाइज प्राइमर लगा रही हूँ, ताकि क्योंकि लाइटिंग पड़ेगी तो थोड़ा सा भी पसीना आ सकता है, क्योंकि उतनी भी ठंड नहीं है। और जो इनके डार्क सर्कल वगैरह थे तो उन सभी को मैं हाइड कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि वो कुछ दिखे ना। और इनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा कट लग चुका था, जहाँ पे इन्होंने थ्रेडिंग बनवाई थी काफ़ी ज़्यादा कट था, तो उन सबको मुझे कवर करना था। प्लस इनकी आई के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस थी, तो सारी चीज़ें मैं मुझे अच्छे से कवर करनी थी। और मस्सा भी था नोज़ पे, तो उसे भी मुझे कवर करना था, क्योंकि मस्सा काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। तो अगर मुझे लगा कि उसे कवर कर देना चाहिए, तो वो नोज़ पे बीच में था, तो इस वजह से। और कुछ इस तरीके से मैं इनका सारा मेकअप, मैंने फाउंडेशन वगैरह लगा दिया, फाउंडेशन मैंने एलेगल का लगाया, फुल कवरेज फाउंडेशन है। और इनको, इनके फेस को मैं अभी कंटोर कर रही हूँ ताकि अच्छा सा शेप मिल चुके। वैसे तो इनका फेस छोटा सा ही, तो इसलिए मैं टीका थोड़ा ऊपर लगाऊंगी, ज़्यादा नीचे कर दूंगी तो फोर हेड जो है इनका, जो इनका फोर हेड है वो काफ़ी कम है। और कंटूर मैंने किया, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो थोड़ा सा भरा भरा फेस दिखता है ना, इसलिए कंटूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हाँ, थ्रेडिंग में भी बीच में उन्होंने थ्रेडिंग उड़ा दी है दोनों साइड से, आप देख रहे होंगे, तो मुझे ऐसी सेट करनी है ताकि इनकी जो थ्रेडिंग है बीच में आपको दिख रहा होगा कि पता ना चले, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डार्क रखूँगी, क्योंकि बीच में बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे दिया है उन्होंने। पता नहीं कैसे बनाई थी, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था कि उनको बनाना नहीं आया। इन्हें ये बोल रही थी दी मैंने कभी करवाया नहीं है, तो शायद उन्होंने मैंने हिला दिया इस वजह से, लेकिन हिलाने से एक जगह कट लगता है, पूरे में कट लग चुका था। तो इन सभी चीज़ों को मैं कवर कर रही थी, तो अब मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और इसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा ब्लशर लगाऊंगी, ज़्यादा ब्लशर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ओवर लगता है, ब्लशर ही चमकता है। और इनका थोड़ा सा लाइट डार्क कलर है, तो उस हिसाब से मैंने मेकअप किया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जहाँ पे हम काजल लगाते हैं, थोड़ा सा मैं हल्का सा रेड कलर का आई शेडो लगा रही हूँ ताकि अच्छा लगे। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल, सॉरी लाइनर, तो लाइनर मैंने लगा दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनका आई मेकअप, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और थ्रेडिंग भी देखिए थोड़ी सी उन्होंने ऊपर नीचे बनाई थी, लेकिन मैंने कवर किया। और इसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर, लिप लाइनर से अच्छा सा शेप मिल जाएगा ताकि हम अच्छे से इनकी लिपस्टिक लगा सकें। इनका माउथ थोड़ा सा आगे से उठा हुआ था, तो उसको मैं थोड़ा सा दे रही थी ताकि वो ना पता चले, कुछ इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लिपस्टिक मैंने लगाई है सेवन हेवन की। तो ये रहा इनका पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये टीका जो है, इस नेकलेस का नहीं है, टीका मैंने मिंत्रा से लिया था, इसकी वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरीके से लुक क्रिएट हुआ है, आप कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा डार्क मैंने नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा डार्क हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, छोटा सा, बिल्कुल छोटा वाला, जो सबसे छोटा वाला होता है ना बल्ब CFL, बिल्कुल छोटा वाला लगा था, मिनी वाला। और मैं दो फ़ोन लेकर, एक मेरा एक मेरी बहन का, उससे मैंने मेकअप किया, मतलब उसने दोनों फ़ोन से लाइट जला रखी थी, उस हिसाब से मेकअप हुआ। अगर यहाँ पर लाइटिंग होती तो आपको वीडियो क्लियर दिखती, छोटे से बल्ब के आगे आपको वीडियो डल दिख रही होगी, कि यहाँ पे लाइट नहीं थी। जब हम मेकअप कर चुके, जब वो लाइट लेके आया, तो मैंने कहा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सिर्फ मुझे ज्वेलरी पहनानी थी इस वजह से। और मैंने हेयर भी अच्छे से बना दिया है, और यहाँ पे मैंने गजरा भी लगा दिया, सारी चीज़ें मैंने कर दी है, तो इस वजह से मैंने लाइट के लिए मना कर दिया। मैंने कहा जाने दो, अब कोई मतलब नहीं है मुझे ज्वेलरी और लहंगा पहनाना है। अगर लाइट होती तो आपको मेकअप खुल कर दिखता, बट थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है। तो आपको ब्राइडल मेकअप कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आप लोग बोल रहे थे दी शेयर कीजिए, तो मैंने अपना नहीं किसी और का कर दिया, और आप लोगों ने बोला भी था इस वजह से मैं की, लेकिन मेरा करने का कुछ मन नहीं था, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी नहीं बताया था कि मैं ब्राइडल लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। बस ये था कि हाँ, अगर जाऊँगी देखूँगी, आप लोग बोलोगे तो शेयर कर दूँगी, वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सोनम ने, यानी कि मेरी बहन ने, थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो इस तरीके से लुक क्रिएट हो गया। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी अपना भी लुक क्रिएट कर लूँगी, जल्दी अपना भी करूँगी, आप लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो चलिए, मिलूँगी हूँ थोड़ी देर में, या घर जाके मिलूँगी या फिर कल मॉर्निंग में मिलूँगी, ठीक है, बाय बाय। तब तक के लिए मॉर्निंग में ज़रूर मिलूँगी वीडियो का एंड करने के लिए, ओके। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7, और मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद बस स्वेटर मैंने पहनी, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत। क्या तुम भी नहाओगी? अच्छा, तुमको अभी नहला देंगे। और बाबू भी उठ गई है, बाबू भी
अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा रुक जाओ, नहला देंगे, थोड़ा सा टाइम हो जाने दो। और पूरा घर मैसी हुआ पड़ा हुआ, तो मैं तुरंत आके रजाई, देखिए तुरंत मैं रजाई में घुस के बैठ गई क्योंकि ठंड लग रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा मतलब ठंडी दूर हो। अभी चल रहे हैं, बाबू कह रहे नहलाओ। अच्छा तो बस अभी मुझे जाना नाश्ता बनाने पापा के लिए, क्योंकि पापा 8 बजे आ जाएंगे। उससे पहले मैंने कहा कि ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। कल मैं नहीं एंड कर पाई थी क्योंकि मुझे मैं एडिटिंग नहीं की थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो इस वजह से मैंने उससे एडिटिंग नहीं की थी। तो मुझे कल रात में एडिटिंग करते करते 12 बज गए, तो ठीक से एडिटिंग भी नहीं हुई थी और ब्लॉग का एंड करना था, तो मैंने कहा कल मॉर्निंग में ब्लॉग का एंड करूँगी। तो ये जो वीडियो जाएगी ये परसों की है, क्योंकि मुझे मैंने आपको बताया ना कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं वीडियो शेयर करूंगी, मैंने कहा व्लॉग शेयर कर दूंगी, बट जब कल लाइव आई थी आप लोगों ने बोला दी शेयर करना, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। तो इसलिए फिर बात करने के बाद, आप लोगों से काम वाम करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद 11 बजे से मैं बैठ गई थी एडिटिंग करने के लिए, फिर भी लेट हो गया, नहीं हुई थी। तो फिर सुबह भी मॉर्निंग में की हूँ, अभी ये ब्लॉग का एंड करना था, वॉइस ओवर भी करनी, तो अभी मैं ब्लॉग का एंड कर दूंगी, फिर आके वॉइस ओवर कर दूंगी, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आप लोग मेरे लिए देखना चाहते हो मेरा ब्राइडल मेकअप लुक, मैंने जैसे शादी में किया था, तो कमेंट करिएगा, मैं जल्दी शेयर करूँगी, ठीक है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि यहीं से दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय।